तो बस अभी हम पहुंचे हैं रिजाल पार्क, और सबसे पहले आज हम देखेंगे रिजाल पार्क में बना हुआ नेशनल म्यूजियम। बहुत सही है, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ पड़े थे। और दूसरा क्या है, मैं रिजाल पार्क के अंदर ही है, तो चलो शुरुआत करते हैं नेशनल म्यूजियम से। काफ़ी यार बड़ी बिल्डिंग है इसकी, एंट्री इसकी सभी के लिए फ्री है, और यहाँ तकरीबन हम घंटा भर स्पेंड कर सकते हैं आराम से। ये पूरा इसका कैंपस एरिया। मौसम भी आज क्या धूप छाया वाला हो रखा है तो ठीक है, और दोपहर में यहाँ बारिश हो ही जाती है। तो चलो चलते हैं नेशनल म्यूजियम। यह है इसका एंट्री। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अंदर। एंट्री फी थी, सामान आपको सारा लॉकर में रखना पड़ेगा, और हाँ यहाँ आपका कोविड का ही लोग सर्टिफिकेट जरूर चेक करेंगे सभी का, आप चाहे लोकल हैं या आप चल फॉरन टूरिस्ट हैं, आपका यहाँ कोविड का टेस्ट या जो कोविड का सर्टिफिकेट है वैक्सीन वाला वो चेक होता है, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। क्या फाइनली हम लोग हैं अंदर। तो ये है बालकोनी, और यहाँ कुछ मैप्स वगैरह दिए हुए हैं जो आप लोगों को समझ में आए नहीं तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। जो जो जहाँ उनको कुछ मिला होगा ना, तो उनके कुछ मैप्स वगैरह है यहाँ पे दिए हुए। तो ये है फाइनली यहाँ का हॉल, और अब जो कुछ भी बना हुआ है देख लो यार, बड़ा सही से मॉडर्न आर्ट्स बना रखी है। और बस लोग यहाँ बैठे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। अभी इतना कोई रश नहीं है यहाँ पे भी, और फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ कम ही देखने को मिले हैं अभी। बस यहीं से क्या है, आगे चाहते हुए सीढ़ियाँ निकल रही हैं, और हर एक फ्लोर पे इन्होंने एक एग्जीबिशन हॉल बना रखा है, और ऐसे टोटल यहाँ 4 फ्लोर है ये देखिए, और बड़ा ही सही सा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे 1 घंटा नहीं, आप 3-4 घंटा यहाँ आराम से स्पेंड कर सकते हैं। तो बस अभी हम लोग चले हैं फ्लोर फर्स्ट देखने के लिए। ये देखिए पूरा यहाँ का जो है ये लेआउट। तो हम पहुँचे हैं पहले फ्लोर के ऊपर जो बना हुआ है एग्जीबिशन हॉल वहाँ। तो यहाँ देखते हैं क्या है, बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है। ये देखिए डायनासोर्स का स्कल। अब देखो यार, मैं ज़्यादा इतिहास में नहीं घुसा क्योंकि मुझे इतना इतिहास नहीं पसंद, बाकी डायनासोर ये मिला था तो उसका स्कल यहाँ लगा रखा उन्होंने। अभी हम चले हैं सेकंड फ्लोर पे। रिजाल पार्क, सो राइट नाउ वी आर रिजाल पार्क, राइट नाउ वी आर इन स्टेट म्यूजियम आई थिंक, एंट्री इज फ्री। तो ये पहुंच गए हम लोग सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ का देखते हैं क्या है, यहाँ के कुछ यहाँ उन्होंने अपने लोकल जो पशु पक्षी हैं उनको बता रखा है, बड़ा सही सा बना रखा है यहाँ का पूरा फ्लोरा एंड फौना। यहाँ जो जो शायद होते होंगे ये जानवर वगैरह उन्हीं को बता रखा है। भाई ने चमगादड़ लटका रखा है क्या? चमगादड़ लटका रखा है। अच्छा ये किसी और को पकड़ने की कोशिश की है बाहर, पूरा दीवार पे बाज। तो अभी हम लोग हैं सेकंड फ्लोर पे, और 2 फ्लोर और बाकी हैं, तो चलते हैं 3rd फ्लोर की ओर। तो ये पहुँच गए हम लोग 3rd फ्लोर, और यहाँ पे क्या है भाई, ओ ये फिलीपींस का सबसे बड़ा
लोलोंग, जो आप क्या बोलते हैं उसको, मगरमच्छ, फिलीपींस का सबसे बड़ा मगरमच्छ था लोलोंग, ये भी कुछ सालों पहले मर गया था, तो उसकी बॉडी उन्होंने यहाँ प्रिजर्व कर ली। दूसरा एक और इनका इसके बाद का जो मगरमच्छ है वो शायद प्रूटो प्रिंसेसा के अंदर है, एक बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। यहाँ अच्छा इनके जो समुद्र में शेल्स वगैरह मिलते हैं, काफी अच्छा बना रखा है उन्होंने यहाँ पे जगह जगह ये पूरा बटरफ्लाई वगैरह, वेरी गुड। स्कल्स, साधना वाधना करते हैं क्या भाई? इसी से आगे निकले हैं अभी। हाँ, यहाँ पे हीट शो कर देगा क्या हाथ लगाने पे? चलो देखते हैं। यस 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 वो ही है, आओ ट्राई करते हैं। यस, तो यहाँ से आ गए हम लोग बाहर, क्योंकि इसके ऊपर का फ्लोर था जो बंद था, कुछ रेनोवेशन चल रहा था, तो हम लोग आ गए बाहर, अपना सामान वगैरह लिया और बस अब हम लोग घूम रहे हैं रिजाल पार्क। कुल मिला के हमें यहाँ घंटा भर तो आराम से लग गया था यार। अंदर क्या ज़्यादा रिकॉर्डिंग में अलाउ नहीं है और ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर देते, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया ज़्यादा तो वहाँ पे, और ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को था भी नहीं, जो मेन था वो दिखा दिया मैंने। तो चलो अब देखते हैं, अब कुछ भूख सी लग रही है तो कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं। तो मैं रोड साइड में ये पीनट्स फ्राई करता हुआ दिख गया, तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं मसाला पीनट्स। बस यार ये 2 चम्मच उसने दी हमें, लगभग 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ मान लो आप, ये तेल में फ्राई कर रहा, हल्का सा उस पर नमक लगा के दे दिया। तो भाई चलो एक बार ये खा खा के काम चलाते हैं। बस ये फ्राई कर दी उसने। यहाँ के पीनट्स का टेस्ट भी ना बड़ा अलग सा था। पर अभी हम लोग ना रिजाल पार्क ही घूम रहे हैं, एक गेट से निकल के अब दूसरे गेट में हम लोग आए हैं, लेकिन है टोटल रिजाल पार्क ही, बहुत बड़ा बना हुआ है। मौसम देखो भाई मस्त, यार पूरे पार्क में ना इतने जोर जोर से गाने चल रहे हैं ना यार, मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी एक मिनट के अंदर ये कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा, तो तब पूरा ही मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। पूरे पार्क के अंदर स्पीकर्स लगे हुए हैं और मस्त गाने चल रहे हैं जोर जोर से। खैर बारिश अभी हुई थोड़ी रुक गई, हम लोग थक चुके हैं और अब लोग कुछ खाएंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट जगह पे, शायद इंट्रामोरस करके कुछ जगह है तो वह सब वहाँ जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।